गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हम आप प्रश्न उत्तर करते हैं। कहते अर्चना चोपड़ा किहड़े फ्लोर उत्ते रहिंदी सी? अर्चना चोपड़ा तीसरे फ्लोर उत्ते रहिंदी सी। अर्चना ते वंदना मिलके किहो जिहियां गल्लां करदियां सन? कहते अर्चना ते वंदना जो दोवें छत उपर इकट्ठियां हुंदियां सी तां फुल बूटियां बारे, कदे अपने बच्चों बारे, कदे आंढ गुआंढ बारे गल्लां करदियां सन। अगे प्रश्न है, कहते तुसी ये टैंकी नहीं ला सकते, मैं तुहानूं ये टैंकी नहीं ला दियांगी, ये शब्द किसने किसनूं कहे? ये शब्द किसने कहे सी? अर्चना ने कहे सी। किसनूं कहे सी? वंदना अते उसदे पति संजीव नूं कहे सी। दिल्ली विखे फ्लैट किसदे सन? जिहड़े दिल्ली विखे फ्लैट सी किसदे सी? DDA दे तीन मंजिले फ्लैट सन। जिहड़े दिल्ली दे फ्लैट सी DDA दे सी, ये तीन मंजिले फ्लैट सी। कहिंदे दुश्मनी पाठ दे अनुसार आधार ते दसो कि दिल्ली विखे दिन विच किन्ने बार पानी आउंदा है? जिहड़ी कहानी है इहदे आधार ते दसना कि दिल्ली विच जिहड़ा पानी सी किन्ने बार, दिन विच किन्ने बार आउंदा सी। कहिंदे इस पाठ दे अनुसार दिल्ली विखे दिन विच इक बार पानी आउंदा सी। असमान विच घटा छाउण नाल वंदना दे मन विच किस तरह दे विचार पैदा होंदे हन? कहिंदे असमान विच घटा छाउण दे नाल जो चारे पासे बदल छा जांदे सी तां वंदना दे मन विच इह विचार पैदा होंदे सी कि जेकर मीह पै जावे तां सुक रहे पौधे उहनां नूं पाणी मिल जावे। जिहड़े पौधे सुकी जांदे आ उह की आ हरे भरे हो जाणगे जे मीह पै जावे। पुलिस नूं कौण बुलाउंदा है अते क्यों? पुलिस नूं कौण बुलाउंदा है? अर्चना दा पति राहुल पुलिस नूं बुलाउंदा है क्योंकि वंदना ते संजीव, संजीव हो गया वंदना दे पति दा नाम है, पानी वाली छोटी टैंकी की थां पानी वाली वड्डी टैंकी लगाउणा चाहुंदे सन। 500 लीटर वाली जो टैंकी की थां ते वो 1000 लीटर वाली टैंकी रखना चाहुंदे सी। वंदना पौद्या नूं पानी क्यों देण लई राजी हो गई? वंदना कहते पौधे नूं पानी देण लई राजी क्यों हो जाती है? कहते जो सुक रहे पौधे नूं वेख रही हुंदी है जिहड़ा वंदना दा मन है वह पसीज जांदा। कहते ते कहण लग जांदी वी साडी दुश्मनी उहनां नाल है। किन्नां नाल है? अर्चना क्या नाल है? प्लांट्स नाल तां नहीं, साडा पौधे नाल तां कोई दुश्मनी नहीं हैगी, मैं इहनां नूं तां पानी दे सकदी हां। कहते दिल्ली विच पानी की किल्लत होण कारण लोग की करते सन? कहानी के अनुसार दिल्ली विच पानी की किल्लत होण कारण लोग की करते सी? कहिंदे लोग की करते सी? जिहड़े उहनां दे फ्लैट हुंदे सी, फ्लैटां दे जिहड़े पिछे की करते सी, हेठां 1000-1000 लीटर दीआं टैंकियां हेठां रख लैंदे सी। 500 लीटर दी टैंकी सी उपर लगी हुंदी सी। कहिंदे जदों पानी आउंदा सी तां की करदे सी? कहिंदे उह नीचेलियां टैंकियां सी जिहड़ियां उह भर लैंदे सी। ठीक है, जिहड़ियां टैंकियां हेठां रखियां हुंदियां सी उहनां नूं मोटर पंप लाए हुंदे सी। जदों छत वाली टैंकी जिहड़ी खाली हो जांदी सी तां नीचे जिहड़ी मोटर चला के जिहड़ी उपर वाली टैंकी सी उह भर लई जांदी सी। अर्चना ने गमले किथे किथे रखे हुए सन? कहिंदे अर्चना नूं फुल बूटियां दा बहुत ज़्यादा शौक सी। वो टैरिस ते की है टैरिस गार्डन बनाउणा चाहुंदी सी, बगीचा बनाउणा चाहुंदी सी। उसने बहुत सारे गमले विच फुल बूटे ला के छत ते सजा रखे हुए सी। एक होर किथे रखे हुए सी? कहिंदे अपने बूहे तों लै के टैरिस तक जांदियां जिहड़ियां पौड़ियां ने उस दी कंध दे नाल नाल गमले टिकाए हुए सन। दोवां गुआंढणां विच अणबण दा की कारण सी? दोवें गुआंढणां कौण है इत्थे? वंदना ते अर्चना। कहिंदे परिवार वड्डा होण कारण ते दूजा दिल्ली विखे पाणी दी किल्लत होण कारण वंदना ते संजीव हैगी है संजीव नूं छोटी टैंकी थां वड्डी टैंकी रखण दी सलाह दिंदी है। पर की है, अर्चना नूं वी इह चंगा नहीं लगदा। उह तीसरे फ्लोर ते रहण करके, तीसरी मंजिल ते रहण करके छत उत्ते अपना अधिकार वधेरे समझदी है। इस करके की है, कहिंदे दोवां विच लड़ाई हो जांदी है, गल पुलिस तक पहुँचती है। जिहड़े इही कारण है गोटे गुआंढां दे विच की सी, दोनों सहेलियां दे विच की है अणबण दा कारण बणिया, उहनां दी लड़ाई दा कारण बणिया सी। पाणी दी सप्लाई दिन विच किन्नी वार आउंदी सी? कहिंदे दिल्ली विच पाणी दी किल्लत होण दी वजह करके दिन विच केवल एक वार ही पाणी दी सप्लाई आउंदी सी। जिहड़ा पाणी आउंदा वी सी तां जिहड़ा प्रैशर सी, बहा सी की है, उह बहुत घट हुंदा सी, जिस करके लोग की सी जिहड़े उपरलियां टैंकियां नहीं भरियां जांदियां सी, लोग नीचे वालियां टैंकियां भर लैंदे सी। फिर नीचे वाली टैंकियां दे विच की करदे सी? मोटर पंप ला के वो छत वालियां टैंकियां नूं भर लैंदे सी। अर्चना ने टैंकी रखण तों मना क्यों कीता? कहिंदे अर्चना दे वंदना अपनियां सहेलियां सन,
दूजे फ्लोर से रहन करके छत उत्ते अपना घर वल समझती सी। इस लिए कहते जो वंदना ते संजीव छोटी टैंकी थान ते वड्डी टैंकी रखनी चाहते हैं तो की करते हैं अर्थां की उन्होंने साफ मना कर देती है। फिर दोवां विच लड़ाई हो जाती है। अर्थां जिहड़ा पति राहुल है वह पुलिस को बुला लैंदा पर पुलिस ने की है दोवां की गल सुन तो बाद की है वंदना ते संजीव जिहड़ी वड्डी टैंकी रखण दी की है वह इजाजत मिल जाती है। क्यों मना करती है? क्योंकि छत उत्ते वह अपना की है अधिकार वध समझती है भी जिवें उपरले फ्लोर ते रहिंदी है तीसरे फ्लोर ते रहिंदी है छत अधिकार की है मेरा। कहते वंदना का पति चिंतित क्यों हो जाता है ते की देख के खुश होता है? कहते पानी वाली टैंकी बदल कारण वंदना के अर्चना की लड़ाई हो जाती है गल पुलिस तक पहुंच जाती है दोनों सहेलियों में अणबण हो जाती है। कहते ये गल की है हम ये गल मुका कुछ दिन बाद की अर्चना अपने परिवार में बाहर चली जाती है हफ्ते तक वापस नहीं आती। उधरों की तेज धुप करके की है पौधे सुकन लग जाते हैं वंदना जरा की है बूटे देख के पसीज जाता वह बूटे पानी देन लग जाती है। उसको काफ़ी समा की है कहते टैरिस से हो जाता गई छत गई काफ़ी समा हो जाता जिस करके पति की है संजीव चिंता हो जाता कि उन्हें की है छत उपर इन्ना समा पहला भी कदम उन्हें लगाया नहीं भी अगर वो इन्ना समा क्यों लगा रही है। कहते जो संजीव की है टैरिस से जाके देखता तो हैरान रह जाता कि वंदना की है बूटिया पानी दे रही सी। संजीव कहते संजीव को वेख के वह कह लगती है कि साड़ी दुश्मनी उन्होंने अर्चना क्या नाल है पौद्या नाल तो नहीं हैगी। कहते वंदना के मूहों ये शब्द जो सुन के संजीव की बहुत खुश होगा। अगे बेटा सानू समाचार गुण क्यों खिलाने चाहिए ने क्यों सानू समाचार गुण है कहानी में सानू पता लग गया भी कि गुण खिलाने चाहिए ने। कहते दुश्मनी कहानी मनुखी रिश्ते अंदर बिना कारण पैदा होने वाली कड़वाहट को बयान करती है। कहानी जो पात्र है सरकारी नौकरियों संबंध रखने वाले व्यक्तियों पत्नियों हैगी जी कहानी के पात्र ने पर अचानक ही होंगे कि गलत फहमी करके कहते दोनों में की है नगुने नफरत कर लग जाते हैं एक दूजे को। कहते कई बार मनुख दूजे मनुख न लड़ के अपनी जिंदगी जो वधिया फल होंगे ने हसीन फल होंगे ने व्यर्थ गवा लेंदा है जो कि है कुदरती संग माने जा सकते हैं। मैं कहानी के अंत में वेख्या कि वंदना सब कुछ भुल भुला के बूटे को पानी देन लग जाती है। ठीक है इसे करके सानू की है कि सदाचार गुण अपनाने चाहिए ने ना कि व्यर्थ विच अपना की है समा कमा चाहिए। कहते दूजे मिठा बोलना चाहिए बिना मतलब तो दूजे से रोग नहीं मारना चाहिए ईर्खा नहीं करनी चाहिए बड़े का सत्कार करना चाहिए जे सदाचार गुण है कहते जीवन में अपनाना चाहिए है क्योंकि अजक की जी भज दौड़ है मनुख को चिड़चिड़ा बना रही है जी अजक की भज दौड़ जी जिंदगी है उन्हें मनुख की है चिड़चिड़ा बना दिता है। इस करके सानू कहने किसी भी हालत में जो सदाचार गुणों का की है पल्ला नहीं छड़ना चाहिए। फुल बूटे के रुखों की साढ़े जीवन में बहुत महत्ता है क्योंकि मनुखी निराशावादी सोच से आशावादी जी मनुख की निराशावादी सोच है सोच तो निरा आशावादी सोच वाल आपको मोड़ देंगे। ओके बेटा थैंक यू।